भाइयों बहनों, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सतयुग का आपने नाम सुना होगा, जब जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो कहते हैं सतयुग, नहीं सतयुग में गया जी, वो रॉन्ग है। सतयुग का नज़ारा ये है, जब सतयुग आएगा ना, और सतयुग की तैयारी यहीं से होगी, मरने के बाद आदमी सतयुग में नहीं जाता, मरने के बाद तो वो पांच तत्वों का शरीर उसे जला देते हैं, आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है। तो जो हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, गीता ज्ञान जो सुना रहे हैं, गीता ज्ञान सुन के हम ऐसे बनेंगे, जब ये आत्मा सतयुग में जन्म लेगी ना तो वो इस तरीके से होएगी, क्योंकि उसकी नींव यहाँ रखी जा रही है, जिसको ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान दे रहे हैं, और कितने सारे भाई बहन माता गीता ज्ञान वो गीता ज्ञान सुन रहे हैं, ले रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं। तो जो हम सतयुग की दुनिया में जाएंगे तो हम ऐसे रहेंगे, ऐसा रहन सहन होगा, गाय बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। तो जो बाबा का ज्ञान है ना, नर से नारायण बनाने का और नारी से लक्ष्मी बनाने का, मेन उद्देश्य है कि नई दुनिया की तैयारी, वहाँ जब हम रहेंगे ना तो वहाँ हर चीज़ अथा होएगी, ऐसी कोई चीज़ बनावटी नहीं होएगी। तो ये बाबा ज्ञान तो बहुत है, बहुत बहुत ज्ञान है अथा। तो आपसे एक ही बात कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं ना या काम करते हैं, नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं, 7 दिन का कोर्स करें, और जाने कि परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा कैसे सुना रहे हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो खुद मुरली सुनने वाला है, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कृष्ण पहली रचना है, और रचयिता कौन है? शिव बाबा, जिसको हम पिंडी के रूप में पूछते हैं। ओम शांति ओम शांति।